आज मैं आपको सास और बहू की एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाली हूँ। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। शादी को कुछ ही दिन हुआ था और आज काम वाली बाई भी नहीं आई, इसलिए अदिति बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह उतरने लगी कि उसकी सास अब बातें सुनाएगी। आवाज़ से सास दौड़ती आई और बोली, बेटी क्या हुआ? अदिति बोली, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिर गया। सास बोली, बेटा चिंता ना कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई और भले ही इसके कितने टुकड़े ही होना हो जाए पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा है क्या ये कप? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मेहंदी भी नहीं उतरी अभी तेरे हाथों से। अभी तुम मेरे बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताओ और एक दूसरे को समझो। सास ने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, ज्योति इधर आकर अपनी भाभी का ख्याल रखो, अभी इस घर में नई नई आई है। ज्योति ने कहा, हाँ माँ। सास फिर बहू से बोली, शुरू में तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं माँ बनकर। देखते देखते अदिति की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, चलचला गई उसकी आंखें और सास के पैरों में गिरकर बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई, बल्कि आप मेरे माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि घर में यह कप टूट जाता तो माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को अदिति की नींद ही उड़ गई, रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उसके विपरीत सास का व्यवहार पाया उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुँह से बुरी सास के बारे में सुना था। अदिति अपने अतीत में खो गई। फिर उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसके इकलौते भाई की शादी हुई थी। मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए मजबूर कर दिया। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में ज़रा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुँह फूल जाता और बोलते कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसने नहीं दिया। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर और घर में हर रोज़ झगड़ा होने लगा। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती गिलास तोड़ दिया। किसी न किसी बात पर वह भाभी पर चिल्लाती, भाभी भी गुस्से से बोल देती थी, माँ मैं तो बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाते हैं। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो चार जली कटी ना सुना दो तब तक आपको चैन ही नहीं मिलेगा। कभी मेरे माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को ही कोसती रहती हो। ऐसे ही माँ और भाभी एक दूसरे के साथ बहस करती रहती थी। अदिति ने घर के अलावा और भी कई जगह पर सास बहू के झगड़े सुनते सुनते वह डर गई थी, इसलिए शादी से कतराने लगी। मगर माँ के कारण ही उसे शादी करनी पड़ी और अनजान भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच बदल गई। सब सास और बहू एक जैसी नहीं होती। नींद न आने की वजह से उसने सोचा कि चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसे फ़ोन करते देख कहा, बेटी सब कुछ ठीक है ना? तुम्हारे पति या सास से झगड़ा तो नहीं हो गया? अदिति बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मालूम है माँ, आज मेरे हाथ से कांच का गिलास नीचे गिर गया था, तभी सास आ गई। मेरे आगे बोलते ही मेरे सास ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तो तेरे सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना, तुम एक पढ़ी लिखी अच्छी लड़की हो, तुम में कोई कमी नहीं है, इसलिए कभी भी सुनना मत। तभी बात को काटते अदिति बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ थोड़ी आश्चर्य हो गई और बोली, ये क्या बोल रही हो? अदिति बोली, हाँ माँ, आज मेरे हाथ से जब कप गिरा तो मेरी सास ने बिल्कुल भी मेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। अंत में अदिति बोली, अब आप समझ गई ना सारी बात? माँ एक और बात कहनी थी, आप बुरा तो नहीं मानोगे? उसकी माँ बोली, हाँ बोल बेटा। अदिति बोली, माँ काश आप भी मेरी नई माँ के साथ भाभी की तरह व्यवहार करती तो शायद भैया और भाभी अलग घर में नहीं रहते। अपनी बेटी की यह सब बातें सुनकर उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बहू के साथ गलत व्यवहार किया था। उसकी बेटी ने उसकी आँखें खोल दी। अदिति उससे पहले कुछ बोलती तभी माँ बोली, अदिति अब जब
तू यहाँ आएगी तो पूरे परिवार को एक साथ पाएगी। अब फोन रख, मुझे बेटे और बहू के स्वागत की तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी के साथ काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता था, लेकिन प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाए पर घर के टुकड़े ना होने दें। अपने घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की इज्जत करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को माँ मान ले और बहू सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी, और एक स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क भी बना सकती है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।